सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चॉकलेट सॉस की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। ये चॉकलेट सॉस आप केक, पेस्ट्रीज, फिलिंग या फिर ब्रेड के लिए स्प्रेड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल मार्केट की तरह ही बनकर आती है और आप इसे 1 मंथ तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए, ये मैंने 1 कप कोको पाउडर लिया है, 2 कप मिल्क, जो भी आप बाउल का नाप करें उसी बाउल से ये 4 इंग्रेडिएंट्स हमें लेने हैं। ये 2 कप मिल्क, ये 1/2 कप मैंने पिसी चीनी ली है, पाउडर शुगर, 1 पिंच सॉल्ट, 1 टेबलस्पून मैदा मतलब ऑल पर्पज फ्लावर, 1 टेबलस्पून बटर और हमारा 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। इंग्रेडिएंट चेक कर लिए हैं, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसके अंदर कोको पाउडर, पिसी चीनी, मैदा और 1 पिंच सॉल्ट डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं और ये हमारा तैयार है। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और इसकी फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसके अंदर हम बटर ऐड करेंगे। ये हमारा 1 टेबलस्पून बटर है, इसको ऐड कर दिया है। इसकी फ्लेम एकदम लो कर दीजिए ताकि बटर जले ना। ये देखिए बटर हमारा कम्प्लीटली मेल्ट हो चुका है। इसके अंदर हम दूध डालेंगे। इसकी फ्लेम लो ही रखिएगा, आपको बटर बिल्कुल भी जलाना नहीं है, नहीं तो आपका चॉकलेट सॉस का टेस्ट खराब हो सकता है। इसके अंदर हम 1 कप दूसरा कप दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। ये देखिए सब इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए हैं। इसकी फ्लेम आप मीडियम कीजिए और इसे एक बॉईल आने तक पका लीजिए। इस तरह से चम्मच से या फिर बीटर से इसे मिलाते रहिए ताकि लम्प्स ना बने। ये देखिए दूध में अच्छे से बॉईल आ चुका है। इसकी फ्लेम आप लो मीडियम कीजिए और इसके अंदर अब जो हमने पाउडर तैयार करके रखा था वो डालिए। एक हाथ से धीरे धीरे डालते रहिए और एक हाथ से मिलाते रहिए। हमने सारा पाउडर डाल दिया है, अब इसे मिला लीजिए। इसकी फ्लेम लो मीडियम ही कर लीजिएगा, अगर आप तेज पे रखेंगे तो आपके लम्प्स बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रह सकते हैं। देखिए इसे लगातार मिलाते रहिए। ये देखिए सारी चीजें हमने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं और एकदम भी लम्प्स नहीं फॉर्म हुए हैं। अब इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही 2 मिनट या 3 मिनट इसको पकने दीजिए। इस तरह से मिक्स करते रहिएगा बीच बीच में, नहीं तो आपकी चॉकलेट सॉस नीचे चिपक सकती है। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, इसमें बॉईल भी आ गया है और हमारी साइड में सॉस भी चिपकने लग गई है। इस तरह से आप इसकी उतार लीजिए सॉस। ये देखिए हमारी थोड़ी सी थिक भी हो गई है सॉस, बिल्कुल अच्छी खुशबू भी आने लगी है, मतलब हमारी सॉस एकदम तैयार होने ही वाली है। इसको अभी 1 मिनट और पका लीजिए। ये देखिए 1 मिनट और हो चुका है और आपकी सॉस इस तरह से स्पैचुला या फिर चम्मच पर चिपक रही होगी, मतलब हमारी सॉस तैयार है। इसकी फ्लेम हम बंद करेंगे और इसे पूरी तरह ठंडा कर लेंगे। मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। आप इसे मोल्ड्स में डालकर इसकी चॉकलेट भी बना सकते हैं, इसे केक्स, पेस्ट्रीज पे स्प्रेड की तरह भी यूज कर सकते हैं या फिर इसे फिलिंग की तरह भी आप किसी भी इंग्रेडिएंट में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय।